नया साल और भी विध्वंसक होने जा रहा है। पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के इरादे भी कम खतरनाक दिखते नहीं है। वो रूस को फरवरी में ही परस्त करने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर चुके हैं, यानी पूरी तरह से रूस को हराने की कोशिश हो रही है और इसके लिए रणनीति तैयार हो रही है। ज़ेलेंस्की ने अपने उस मोर्चे को मजबूत कर दिया है जहां रूस भारी था, जहां यूक्रेन मात खा रहा था। यूक्रेन को वो ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है जो पुतिन की पलटन को अकेले दम पर परास्त कर देगा। तो ज़ेलेंस्की का ये विध्वंसक योद्धा आखिर कौन है? ये वॉर गेम को 180 डिग्री कैसे बदल देगा? जवाब हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में मौजूद है। साल में ये युद्ध बहुत ही बारूदी होने जा रहा है। साल 2023 शुरू हो चुका है और इसी के साथ विनाशक लड़ाई शुरू होने वाली है। मैदान जंग में ज़ेलेंस्की की सेना नई आग लगाएगी। के विरुद्ध यूक्रेन ड्रोन युद्ध छेड़ने वाला। पुतिन के पास ईरानी के किलर ड्रोन है, इसी से रूसी फौज लगातार यूक्रेन को तबाह कर रही है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ड्रोन को ढेर तो कर ही रहे हैं, लेकिन सभी ड्रोन को टारगेट नहीं कर पा रहे। आलम यह है कि रूस कामिकाजी ड्रोन से हर रोज यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। के पास तुर्की का बायरक्तार ड्रोन है, लेकिन यह भी नाकाफी साबित हो रहा है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने नए साल में बहुत ही विस्फोटक फैसला ले लिया। यूक्रेन अब खुद का ड्रोन बनाने जा रहा है। ये ड्रोन बहुत ही घातक होंगे, बहुत विनाशक होंगे, क्योंकि ये कॉम्बैट ड्रोन होंगे जो रूस के ड्रोन को न सिर्फ धराशायी करेंगे बल्कि पुतिन की सेना पर स्ट्राइक भी करेंगे। यूक्रेन ने 1400 ड्रोन खरीदे, ये सभी तो ही ड्रोन है, लेकिन अब ड्रोन की वो सेना तैयार करने जा रहा है जो बहुत डेंजर हो। युद्ध का गेम चेंजर हो। यूक्रेन का नया ड्रोन एयर टू एयर वॉरफेयर का मास्टर हो। ये 10 किलोमीटर तक उड़कर फटेगा और अपने टारगेट को तहस नहस कर देगा। यूक्रेन का ये ड्रोन इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क से ऑपरेट होगा। यूक्रेन ने इसके लिए स्टारलिंक से संपर्क साधा है। ड्रोन युद्ध में अब तक रूस यूक्रेन पर बहुत भारी रहा है। रूस ड्रोन से ही यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को तबाह करता जा रहा है, लेकिन महीने भर बाद पुतिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। फरवरी में यूक्रेन का खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन तैयार हो जाएगा, न सिर्फ तैयार हो जाएगा बल्कि वॉर में उतर जाएगा। एक नए हथियार से युद्ध 180 डिग्री घूमकर यूक्रेन के पक्ष में आ जाएगा और पुतिन का यूक्रेन विजय प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।